नमस्ते किसान भाइयों, मैं विक्की पंसारी कनीना। आज हम चर्चा करेंगे अपने पशुओं के पेट के कीड़ों को कैसे ख़त्म किया जाए। तो पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए घरेलू चिकित्सा में बहुत से समाधान हैं। ये छोटे छोटे कुछ उपाय करके हम हमारे पशुओं के पेट के कीड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। पेट के कीड़ों के लिए अक्सर किसान क्या करता है कि मेडिकल स्टोर पे जाके और पेट के कीड़ों की दवाइयाँ लेके आता है और अपने पशु को खिला देता है। वो दवाइयाँ खिलाने के बाद पशु को लीवर टॉनिक भी पिलानी पड़ती है, तो किसान का काफ़ी खर्चा हो जाता है। इस खर्चे को कम करने के लिए किसान को क्या करना चाहिए, घरेलू फार्मूलों को अपनाना चाहिए। इन घरेलू फार्मूलों से हम हमारे पशुओं के पेट के कीड़े भी कम कर लेंगे और पशुओं को कोई लीवर टॉनिक भी नहीं पिलाना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे साथ क्या होता है कि केमिस्ट बोलता है कि आप पेट के कीड़ों की दवाई ले जाओ, ये दवा देने के बाद ये लीवर टॉनिक देना, जब जाके आपके पशु बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के पेट के कीड़ों की और लीवर टॉनिक की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पंसारी की दुकान पे जाइए, वहाँ से बाय भड़ंग, काला जीरी और हिंग, ये तीन औषधियाँ लेके आइए और अपने पशुओं को खिलाइए। इनको खिलाने से क्या होगा, आपके पशुओं के पेट के कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का कोई लीवर टॉनिक भी नहीं पिलाना पड़ेगा। और आपके पशुओं के पेट के कीड़ों के साथ साथ जो पशुओं के पेट में कीड़ों के लार्वा, अंडे, बच्चे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इनको कैसे खिलाना है ये सब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे देख के आप इस फार्मूले को यूज कीजिए। कौन से पशु को कितनी मात्रा में ये फार्मूला देना चाहिए, ये सभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फार्मूला आप गाय को, भैंस को, ऊँट को, घोड़े को, बकरी को, सभी को खिला सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम हमारे पशुओं को अच्छा दाना चारा खिलाते हैं फिर भी पशुओं का दूध नहीं बढ़ता, तो उसका एक कारण पेट के कीड़े भी होते हैं। तो पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए तो आप इन औषधियों का ज़रूर उपयोग करें। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि लाखों ऐसे छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनके बारे में हम हर रोज़ वीडियो नहीं बना सकते, तो इसके लिए आज से हमने एक नई शुरुआत की है, फेसबुक पेज बना दिया। उस पेज को जाके आप लाइक कीजिए और ये जो छोटे छोटे फार्मूले हैं ना, आपके घर के आसपास जो सैकड़ों प्रकार की घास फूस पेड़ पौधे हैं, ये बड़े उपयोगी हैं। तो उन घास फूस के पेड़ पौधों के बारे में जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, तो मैं वो जानकारियां आपको फेसबुक पे देता रहूँगा, तो आप उस फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या हो आपके पशु की, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप को यूज कीजिए, फ़ोन कॉल ना कीजिए, क्योंकि फ़ोन कॉल पे अच्छे से समझ में नहीं आता। व्हाट्सएप पे अच्छे से समझ में आता है कि किसान को उसके पशु को क्या समस्या है। जिस तरह की समस्या आपके पशु को होगी, उसी हिसाब का अगर मेरे को मालूम होगा तो मैं उसका घरेलू इलाज आपको ज़रूर बताऊंगा। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप का यूज कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। मैं आपको उस पर छोटे छोटे फार्मूले बताता रहूँगा। धन्यवाद।